गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। आज सुबह सुबह आपके सामने हाजिर होने का मतलब है कोई कहानी जो आज शुरू होने वाली है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज की कहानी रहेगी महादेव के 5 कैलाशों में से एक मणिमहेश कैलाश की। हर हर महादेव। लेट्स गो गाइस। मेरा यह सफर मेरी सबसे पसंदीदा जगह पर पहुंचने का है, कैलाश पर्वत, जहां माना जाता है कि भगवान शिव का वास है। मेरा यही विश्वास मुझे कुछ दोस्तों के साथ यहां खींच ले आया। सो गाइस, स्टेयर पहुंच गए थे, सारे भाई आ चुके हैं। आगे इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं सबको बारी बारी से। अभी जल्दी निकलेंगे क्योंकि सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो अभी नदौन पहुंच चुके हैं हम। कांगड़ा से लगभग 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पीछे होंगे। इधर रुके हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। अभी 11 बज चुके हैं। हमारी भी सेम ने कट लिया था नदौन वाला, और यहाँ से जो नया 4 लाइन बन रहा है वहाँ से जा रहे हैं। और बहुत ही धूल मिट्टी है, हालत देख के आप पता लगा सकते हो। और साथ में नीरज है, हस्त है, अजय है हमारे डॉक्टर साहब, और गोलू और विनय भाई है। 3 भाई के हम 6 बंदे, और आगे से 3 बंदे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो 9 बंदे हो जाएंगे ट्रैक चढ़ने के लिए कल सुबह। तो चलते हैं अभी यहाँ से, लेट्स गो। हवाएं भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और रोड बहुत खराब था बीच बीच में, तो मैंने ज्यादा सूट भी नहीं करा। धूल मिट्टी से बुरे हाल हो चुके हैं, पर ये वाला रोड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ धुंध पड़ी हुई है, और यहाँ रुकने का मजा आ रहा है। हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, और ऑलमोस्ट हम चंबा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से पूरा परमौर के लिए मेरे पैसे 100 किलोमीटर है, और चंबा यहाँ से 40 किलोमीटर बच रहे हैं, तो आगे हमें 60 किलोमीटर ही बचेगा। देखते हैं, आज का आज ही निपटा देंगे ताकि कल आराम से ऊपर चढ़ सकें। हर हर महादेव, चलते हैं यहाँ से। किराना चंबा में चंबियाली धाम गा के रात के 9 बजे हम निकले भरमौर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, देख सकते हो आप, शाम को तो पता नहीं लग रहा था कि कैसे दिख रहे हैं पहाड़ और ये जगह, पर सुबह उठ के इतना प्यारा व्यू है ना रूम के बाहर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और सारे रेडी है, गुरु भी रेडी हो चुका है, 1-2 बंदे रहे हैं रेडी होने को, और निकलेंगे ब्रह्मणी माता के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे, और उसके बाद आगे निकलेंगे, फिर मणिमहेश का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। शाम को हम लगभग 2 बजे पहुँचे थे रात को। वैसे दिन आज बहुत ही बढ़िया है, सोमवार है, तो सोमवार के दिन हम मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, और सुबह से बहुत सारे हेलीकॉप्टर आए जा रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कि भीड़ भी बहुत होगी, क्योंकि ये ट्रैक इसी टाइम खुलता है जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच, तो बहुत सारे लोग होंगे जो यात्रा कर रहे होंगे। तो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। ऊपर पहुँच गए ब्रह्मणी देवी, यहाँ नीचे जाएंगे और स्नान करेंगे। तो आप भीड़ इतनी ज़्यादा है कि
क्योंकि आजकल यात्रा चल रही है तो सारे श्रद्धालु पहले बर्माणी माता के पास आते हैं, स्नान करते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं पिताजी मणिमहेश की यात्रा के लिए। वो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, मैं थोड़ा उधर से आ गया क्योंकि मेरा फास्ट है आज, तो मैंने कहा मैं तुम्हारा वेट गाड़ी के पास करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ जब तक वो आएंगे थोड़ा ऊपर यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है मुझे, तो इधर से बैठ के व्यू को एंजॉय करना। मणिमहेश यात्रा शुरू करने के लिए आपको भरमौर से 13 किलोमीटर आगे हटसर तक पहुंचना होगा, जहां से आप अपनी कैलाश यात्रा शुरू कर सकते हैं। मणिमहेश का ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है और देख सकते हो बहुत सारे हैं आज बंदे ऊपर जाने के लिए, और घोड़े के लिए भी बहुत सारे बंदे हैं। साथ साथ में नदी के साथ साथ ऊपर जाएंगे हम, हर हर महादेव। तो चल पड़े हैं धीरे धीरे सारे के सारे ऊपर, और वादियाँ बहुत ही खूबसूरत। तो अभी लगभग 3-4 किलोमीटर चढ़ा होगा हमने और बारिश लग गई है, तो इधर बैठ गए हैं सारे के सारे, थक चुके हैं सारे। अभी हमें पता भी नहीं है कि आगे कहाँ जैसे अच्छा सा प्लेन आएगा, क्योंकि अभी तो प्रॉपर चढ़ाई चढ़ी है हमने 3 किलोमीटर, अभी आगे देखते हैं कितना और ज़्यादा चढ़ाई है। देख सकते हो गाइस कितनी खाई, और ट्रैक कुछ ऐसा है। अभी तो हम चले हैं बीच में, बारिश हो गई थी तो हमने बरसाती ले ली थी, ट्रैक पे चलने का मज़ा तो आ रहा है, पर बारिश के बाद ये ट्रैक और ज़्यादा डेंजरस हो गया है। अभी अभी एक बॉडी लेके गए बंदे नीचे, और सामने का ये वाला व्यू देख सकते हो आप, जितना ऊपर आ रहे हैं उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है नज़ारे। अभी हम धनचो में पहुंचे हैं, एक जगह है और यहीं पे सारे लंगर वगैरह लगते हैं, सारे जितने भी यात्री जा रहे हैं यात्रा करने के लिए मणिमहेश की। तो इसके आगे देखते हैं कैसा ट्रैक मिलता है और कैसी जगह मिलती है महादेव की कैलाश यात्रा में। तो अभी हम ट्रैक पे चले हैं, धनचो से ऊपर की साइड जा रहे हैं, और बारिश के बाद ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, चढ़ने का तो मज़ा आ रहा है पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आज तो वैसे बहुत ही ज़्यादा चले हैं लोग ऊपर कैलाश के दर्शन के लिए। मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, पानी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस पॉइंट पे, और साथ ही इस पानी का लग रहा है कि बारिश हो रही है, देख सकते हो सामने का भी। और भी ज़्यादा खूबसूरत है, कैलाश पर्वत तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो बहुत ही मेहनत लगती है ऊपर पहुंचने तक, और महादेव साथ देते हैं तो चढ़ने का मज़ा भी आता है और थकते नहीं हैं। तो अभी धुंध उठ रही है ऊपर ऊपर, और रास्ता तो बिल्कुल आपको पता ही है, बिल्कुल खाई है नीचे को एक साइड, और मज़ा आ रहा है, इतना थक नहीं रही है बॉडी, इतने इतने खूबसूरत वाटरफॉल ब्रिजेस और गली देख सकते हो इतनी खूबसूरत हो रखी है, ऐसा व्यू हो तो थकान नहीं होती बिल्कुल भी।
बारिश रुक गई है और उसके बाद का व्यू देखो आप, एकदम से पूरी वैली क्लाउड से भर गई है, धुंधी धुंध हो चुकी है चारों तरफ और ट्रैक चढ़ने का मजा आ रहा है। अभी थोड़ा इतना गिल्ला रहा भी नहीं है, सूखा सूखा है। और ये वारीकुंड यहाँ से 4 किलोमीटर रहता है और टोटल मणिमेश में 5 किलोमीटर रहता है। अभी मैं पहुँच गया हूँ शिवघाट, पार्वती कहते हैं पार्वती जी की ये चक्की थी, घराट मीन्स हमारी लोकल लैंग्वेज में चक्की। तो अभी बोलते हैं तो कान लगाओ, ये ऐसे मुझे साउंड आ रही है कि हाँ सी ऐसे साउंड चक्की घूमने की, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे छोटा सा। फैल चुकी है पूरी वैली में, हो रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है ढंग से, और शाम के 7 बज चुके हैं तो अंधेरा भी धीरे धीरे हो ही रहा है। कभी बारिश तो कभी कुछ, ट्रैक बहुत ही लंबा है और डिफिकल्ट भी है क्योंकि बारिश से कुछ ज़्यादा ही हो गया फिर, और इनसे कुछ ज़्यादा हो जाता है घोड़ों से फिर। एक साइड ले रखते हैं तो फिर जल्दी जल्दी फ्लो में नहीं चला पाता तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। शाम के 7 बजे का कुछ ऐसा भी हो, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और हम गौरीकुंड पहुँच गए थे रात को, पूरी बॉडी थक चुकी थी, बहुत थक चुके थे सभी, सभी की सांसें घुट रही थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, सर दर्द और बॉडी पेन बहुत अलग अलग ही लेवल पे था। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह रहे और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ तो एकदम से सांस फूल जा रही है। और ऊपर है शिवकुंड और मेरे पीछे है कैलाश पर्वत, देख सकते हो आप। ये लास्ट का 1 घंटा ऊपर शिवकुंड तक पहुंचने का सबके लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत थक रहे हैं सारे के सारे लोग, बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं, मजे से चले हैं और हम भी, और ये दो बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, जाना क्या दिक्कत हो रही है बहुत लास्ट के 1 किलोमीटर। यात्रा भी देख सकते हो आप, लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं नीचे और बहुत ऊपर जा रहे हैं हमारी तरह, और नीचे रह गया गौरीकुंड और शिवकुंड पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और सामने कैलाश पर्वत। तो चलते हैं लास्ट के, थोड़ा सा स्टेप भी ले लेते हैं, क्यों हुआ रही भाई पहुंच गए अब तो, क्या पता कितना ऊपर है। नहीं नहीं इसके आगे बस जी ली है, अब शिवकुंड है। तो चलते हैं करते हैं दर्शन महादेव के, इस स्वर्ग के हर हर महादेव। तो लो जी रिक्शा खत्म हुई महादेव की और हम पहुंच गए हैं मणिमेश, सामने देख लिया मुझे चीज खाते हैं आपको दर्शन के। Yeah.
पांच कैलाशों में से एक कैलाश मेरा हो ही गया। अभी चार कैलाश भी महादेव कभी ना कभी करा ही देंगे। कैलाश पर्वत तो अभी धूल से ढक गया, पर झील और प्लेस कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो पूरा ही रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और जो ऊपर पहुँच के खुशी मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है, वो बात अलग है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बारिश, बॉडी थक चुकी थी, ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, फिर भी हम पहुँचे जैसे जैसे पूरा बॉडी का जोर लगा के। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मणिमहेश का। अब निकलते हैं नीचे, धीरे धीरे उतरेंगे आराम आराम से। ऊपर से आ गए हम दर्शन करके, और नीचे पहुंच गए हैं गौरीकुंड में, जहां हमने रात को स्टे किया था। यहीं रखे थे हमने बैग वगैरह। फिर चलेंगे नीचे नीचे धीरे धीरे। वादियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। कैलाश पर्वत तो दिख भी नहीं रहा है, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, धुंध में उतना क्लियर दिखता नहीं। वेदर अच्छी भी होती है और अच्छी भी नहीं होती, सूट नहीं हो पाता और ऐसे ऐसे चलने और मज़े लेने के लिए तो अच्छी है। अभी हम पूरा ट्रैक उतर चुके हैं, नीचे हटसर पहुंच चुके हैं, जहां से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी मणिमहेश की। और बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है, बारिश ही रही हम पूरा दिन, दो दिन तो हमें। और अभी हटसर पहुंच चुके हैं, फिर से टैक्सी का कुछ करेंगे और फिर मॉर निकलेंगे, वहीं पे आज स्टे करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी रात को हम आ गए थे भरमौरी, और पीछे देख सकते हो आप भरमौर कितना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। मणिमहेश की यात्रा कंप्लीट तभी होती है जब 84 टेंपल जाके आप दर्शन करोगे, उसके बाद कंप्लीट मानी जाती है। तो सामने राम मंदिर अभी दिखेगा नहीं, धुंध पड़ रही है, और जैसे ही बारिश कम होगी तो हम यहाँ से निकलेंगे 84 टेंपल, और वहाँ से दर्शन करके मणिमहेश यात्रा को कंप्लीट करेंगे। हर हर महादेव, जय शंकर। तो अभी पहुंच चुके हैं हम चलो टेम्पल, और भीड़ बहुत ज्यादा है। अभी हम लाइन में चले हैं सारे महादेव के दर्शन करने के लिए, और लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी हो रखी है, और साथ में बारिश भी लगी है धीरे धीरे। चौरासी महादेव के दर्शन के साथ मणिमहेश की यात्रा पूरी होती है, और बहुत ही अच्छी रही है महादेव की मणिमहेश कैलाश की यात्रा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हम यहाँ से निकलेंगे भरमौर से आगे, और जो भी कवर करते चलेंगे जगह वो आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय शंकर।